हेलो माइनक्राफ्ट लवर, स्वागत है तुम लोगों का ड्रोन क्राफ्ट की एक और वीडियो पे। एंड पता नहीं इसके साथ मेरी ऑटो करेक्ट के क्या दुश्मनी है, मैं ड्रोन क्राफ्ट लिख रहा हूँ और ऑटो करेक्ट ड्रोन क्राफ्ट लिख रहा है। क्या छोड़ो, कोई नहीं। तो आज की वीडियो पे हम लोग ट्राई करने वाले अपनी रेपुटेशन को हाई करने की। एंड रेपुटेशन क्या चीज़ है इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा। एंड यहाँ पर हमेशा भाई बाउंटी आ जाता है या कैसे, तो बाउंटी हंटर भाई पता नहीं अपने सर पे कौन सा भाई बाउंटी लगा पड़ा है। ये लोग हर बार मेरे घर पे अटैक कर देते हैं और जब से मैंने ये जगह चूज़ किया तब से भाई बाउंटी हंटर्स के अटैक्स कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। आई थिंक ये बायोम ही इन लोगों का है, लग तो वही रहा है। ओके भाई, हेल्थ बहुत डाउन हो चुका है मेरा एंड मेरे पास अच्छा सा फूड नहीं है भाई। मुझे फॉर्क वॉक यूज़ करना चाहिए, टर्की वाला बिल्कुल सही नहीं है भाई। एंड यहाँ पे मैं भाई सीप एंड ग्रो वाला सिस्टम ही मैंने डाल दिया है या कैसे, तो भाई डांसिंग क्रॉप्स। ओके कोई डांसिंग क्रॉप नॉट काउ। ओके सो पहले मैं थोड़ा किंग के यहाँ जाता हूँ। ओके एक और चीज़ मैंने ढूंढा था, एक न्यू विलेज, बट यहाँ पे कोई किंग विंग नहीं है, यानी कि विलेज लॉट कोई नहीं है। बट हाँ यहाँ पे मेरी रेपुटेशन बहुत माइनस पे जा चुका है, -26। अगर तुम कॉर्नर पे देखोगे तो तुम्हें यहाँ पे मेरी स्टेटस दिखेगा अनफ्रेंडली, रेपुटेशन -25, अभी -24 हो गया। ओके अब धीरे धीरे ये थोड़ा सा कम हो जाता है अगर मैं थोड़ा सा इंटरेक्ट करूँ। एंड आई थिंक माइनस में भाई कम वाला ज़्यादा होता है। ओके नॉट माइंड, एंड इनसे मैं बाद में ट्रेड कर लूँगा। और फूड्स के जुगाड़ के लिए मैंने यहाँ पे भाई कुछ गोट पकड़ के ला के आया हूँ। एंड आई थिंक यहाँ पे काऊ हो तो और भी बेटर होता, बट हाँ मुझे थोड़े बहुत मॉडर्न एंटिटी भी फार्म करना है। इनसे मैं वीट से भाई इनके भाई ब्रीडिंग करवा सकता हूँ, बट एक बुरी बात है भाई इनमें अगर हिट कर दूँ तो जिन लोगों को मैंने वीट किया है वो लोग भाई अटैक करने लग जाते हैं मेरे लिए। ओके सो यहाँ पे भाई एक कराटे वाला एंडर मैन आ चुका है। ओ भाई साहब इसकी कराटे क्या है भाई। ओके मर गया और इसने भाई एक ग्रास ब्लॉक दिया है। खैर छोड़ो कोई नहीं। और भाई यहाँ पे जो इसकी भाई क्वेस्ट है ना ये ठीक से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और इसमें कुछ कुछ चीज़ें देख के मैं इससे भाई रेपुटेशन ले सकता हूँ। जैसे कि भाई ये मैंने दिया था इससे भाई मुझे रेपुटेशन मिल रहा है और मुझे ये पोर्ट्रेट वाला क्वेस्ट समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत ट्राई किया भाई क्वेस्ट कम्प्लीट करने की बट ये क्वेस्ट काउंट ही नहीं हो रहा था। एंड बाद में मुझे पता चला कि भाई मैंने भाई एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ओके तो कोई नहीं भाई, तो यहाँ पर भाई एक चीज़ तो मुझे मिल गया भाई, एडवांसमेंट मैं अभी ना सो एडवांसमेंट्स लेके भाई अभी मैं एक और काम करने वाला हूँ, अंडरग्राउंड डंजन पे जाने वाला हूँ। क्योंकि ये क्वेस्ट भाई मैं एक्सेप्ट शिफ्ट करके कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, मतलब नॉर्मल क्लिक करके कर रहा हूँ बट ये एक्सेप्ट ले ही नहीं रहा। आई थिंक कोई दिक्कत है। सो मैं डंजन पे आ चुका हूँ या डंजन सोच रहे हो कहाँ है, तो भाई केप में यहाँ पे काफ़ी सारे तुम्हें डंजन मिल जाएंगे। सो इस वाले मॉड पैक में एक डंजन भाई अंडरग्राउंड है या कह सकते हो तुम अंडरवर्ल्ड वाला डंजन। सो ये है अंडरवर्ल्ड डंजन और यहाँ के जॉम्बीज नॉर्मल जॉम्बीज नहीं है भाई, मार्शल आर्ट जाने वाला जॉम्बीज है। ये लोग तुम्हें भाई हल्के में ही फोड़ सकता है तो थोड़ा संभाल के भाई, इन्हें नॉर्मल जॉम्बीज के साथ समझना मत भाई, ये लोग तुम्हें अच्छे से फोड़ सकता है। ओके एंड ये मैंने भी भाई इनके फाइट टाइप फाइट मोड यूज़ किया था बट इसमें कुछ ग्लिच हो रहा था तो इसलिए मैंने फाइट मोड को भाई ऑफ कर दिया। अब नॉर्मल मोड पर मैं फाइट करने वाला हूँ। ओके बट इन लोगों की तो भाई फाइट मोड ऑन है भाई, ये लोग थोड़ा सही से टक्कर दे रहा है और सबसे बुरी बात है कि ये लोग भाई मेरे आर्मर को डैमेज दिए जा रहा है भाई। ओके मेरे से ज़्यादा तो मेरे आर्मर ही डैमेज हो जा रहा है। ओके फिर से एक और हाँ अगर तुम सोच रहे हो कि स्किन बार बार फ्रीज क्यों हो रहा है, सो मैंने अपनी पूजा लॉन्चर की मेमोरी को भाई 3 GB पे सेट करके रखा है, डेढ़ जी बी पे है तो 3 GB वाले डिवाइस सपोर्टेड है। ओके सो इसलिए भाई हो रहा है, अगर वैसे 8 GB पे सपोर्टेड करता तो भाई ये और भी स्मूथ चलता, बट कोई नहीं भाई इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ओके सो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे पेपर्स मिल चुके हैं एंड थोड़ा बहुत विलेजर नेम्स मिला है एंड इनको मैं अभी संभाल के रखने वाला हूँ। और इनके जो स्पॉनर है ना आई थिंक ये नीचे सेट किया गया है, ये कबल स्टोन इनके नीचे सेट किया गया है भाई। ये सब कुछ ज़्यादा ही आ रहा है भाई, इनसे भाई निपटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और मेरा फूड भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है भाई। ऐसे मौके में भाई यहाँ से भागना सबसे बेस्ट होगा। और चेस्ट में ठीक है, चेस्ट की लूट बुरा ही नहीं है भाई, थोड़े बहुत अच्छे अच्छे लूट्स मिल जाते हैं। और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत गोल्डन कैरेट भी बना लेता हूँ, वैसे एक ही बना सकता हूँ, इसे मैं रख रहा हूँ भाई क्योंकि अभी हेल्थ की बहुत बुरी हालत था। ओके और यहाँ पे मुझे एक और मॉब दिख गया, चलो इसको भी निपटा देते हैं। वैसे ब्रेड है मेरे पास बट हाँ ब्रेड उतना खास सैचुरेशन नहीं देता, अभी मुझे पता चला कि ब्रेड भाई माइनक्राफ्ट की भाई बस मीडियम फूड है या कह सकते हो भाई लोएस्ट मीडियम फूड। ओके और यहाँ पे मुझे एक और डंजन मिला है। ओके यहाँ पे कोई स्पॉनर नहीं है बट हाँ एक हिडन चेस्ट था, सो मैंने डंजन की क्वार्ट्स को तोड़ा तो मुझे एक हिडन चेस्ट मिल गया।
ओके सो फायर एक्सपर्ट के स्वॉर्ड, और यहाँ पे मैं एक एनविल बनाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ एन्चेंटमेंट बुक्स है, इन सभी को भाई कंबाइन करने वाला हूँ एंड अपने हथियार को थोड़ा स्ट्रांग बनाने वाला हूँ। सो मैंने इसमें फायर एक्सपर्ट भी डाल दिया एंड शार्पनेस भी है। ओके अब ये काफ़ी बढ़िया होगा और मैं स्टील के आर्मर्स को एंड टूल्स को भाई रिपेयर कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पे न्यू लेगिंग्स बनाने वाला हूँ स्टील प्लेट वाला, क्योंकि भाई जो सॉलिड सील्ड वाला भाई लेगिंग्स है उसमें भाई स्लोनेस मिल रहा है और स्लोनेस में फाइट करना बहुत दिक्कत हो रहा है। तो अब मैं भाई एक स्पाइडर डंजन के पास आ चुका हूँ, या कह सकते स्पाइडर स्पॉनर के पास, और ये केव वाला है। ओके 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 भाई काफ़ी ज़्यादा मुझे पॉइजन मिल चुका है। अब मैं यहाँ से भाई निकलने वाला हूँ एज ए स्मार्ट पीपल। ओके पहले जाने से पहले मैं इनके स्पॉनर तोड़ने वाला हूँ भाई, ये दिक्कत दे सकते। अबे यार जाने से पहले भी यहाँ पे दो स्पाइडर आ गया। ओके 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 ख़त्म। अरे यार मैंने मेन हैंड पे पिकैक्स पकड़ा था। खैर चलो कोई नहीं, अब तो कोई स्पाइडर नहीं आने वाला, बट फिर भी स्टिल मैं कोई रिस्क नहीं लूँगा, क्या पता कि पीछे एक और स्पॉनर हो। सो मैं एक बार ऊपर आता हूँ भाई, हाफ हार्ट पे बचा था मैं। ओके तो मुझे भाई एक और चीज़ मिल गया, ब्रेजार। ओके सो ब्रेजार को मैं यहाँ पे पहन सकता हूँ, ब्रेजोर। ओके जैसे ब्रेजोर कह सकते हो या ब्रेजार कुछ भी कह सकते हो। तो आप इससे भाई क्या होता है कि मुझे भाई पॉइजन नहीं मिलेगा, या तुमने सही सुना, तो इससे भाई कोई भी पॉइजन नहीं मिलेगा। तो भाई केप स्पाइडर और विचेस से हम लोग फाइट कर सकते हैं। और इसी में आप तुम्हें भाई मुझे यहाँ पे भाई डायमंड के ओर्स भी मिल चुका है, बट मैं इनको भाई बिना फॉर्चून के मैं माइन कर रहा हूँ। मुझे पहले भाई थोड़ा बहुत डायमंड कलेक्ट करना है एंड यहाँ की भाई मैं डायमंड को भाई सेव करके देख सकता था, आई मीन किन शॉट मार के, बट छोड़ो भाई कोई नहीं, बाद में मैं डायमंड हंटिंग पे निकलूँगा, अभी तो बस डंजन हंटिंग पे निकला हूँ। आज मुझे कितने सारे डायमंड मिल जाएंगे वही तुम लोग देखो भाई। यहाँ के डंजन काफ़ी ज़्यादा ओपी होते हैं एंड डेंजरस भी, ओपी से तो ज़्यादा भाई डेंजरस होते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे मिनी बॉसेस वाले मॉब्स भी तुम्हें मिलेंगे, आर्डल क्राफ्ट में जैसा होता है ना भाई थोड़ा बहुत मिनी मिनी भाई जॉम्बी बॉस स्केलेटन बॉस ऐसे होते हैं, तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है। और यहाँ पे कुछ ऐसा मॉब है जिससे मारने के बाद कुछ स्पाइडर वाले मॉब्स निकलते हैं। ओके एंड देन मैं यहाँ पे थोड़े और आयरन वायरन कलेक्ट करता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक शील्ड बनाने वाला हूँ क्योंकि मुझे मिल गया है ये बेडरॉक वाला डंजन। अब ये डंजन दो चीज़ों के लिए भाई डेंजरस है, पहला तो भाई भूल भुलैया ये एक मेज टाइप है भाई, और यहाँ पे तुम खो सकते हो बहुत गंदी तरीके से। एंड दूसरा चीज़ तुम्हें भाई थोड़े अंदर जाके पता चलेगा, पहले तो मैं ये बताता हूँ तुम इस मेज को कैसे भाई फिगर आउट करोगे। सो पहले तो तुम्हें ऐसे जगह ढूंढना जहाँ से तुम एग्जिट कर सकते हो। ओके सो अब इस वाली जगह पे तुम्हें एक रैंडम ब्लॉक लगाना है, और याद रखना ये ब्लॉक तुम दोबारा कहीं पे भी प्लेस नहीं करोगे वरना तुम घूम जाओगे। और ये रहा भाई दूसरा खतरा, क्रीपर। क्रीपर ओ मैन अगर दो तीन क्रीपर फूटे तो भाई कोई भी आर्मर हो तुम्हें मार सकता है, या तो तुम्हारे आर्मर को भी डैमेज मिल सकता है हाईली। सो इसलिए मैंने यहाँ पे भाई शील्ड बना लिया है भाई, अब ये लोग भाई मेरा कुछ नहीं कर सकता, बस पीछे से कोई क्रीपर ना आ जाए। सो यहाँ पे भाई पीछे भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके इस साइड से कोई नहीं है। ओके भाई हो गया। इनके भाई स्पॉनर ये लोग खुद ही तोड़ रहा है। सो इसी से भाई सेंस बनता है कि माइनक्राफ्ट पे क्रीपर की स्पॉनर क्यों नहीं मिलता हमें। ओके और जिस डंजन को मैं अभी स्ट्रक्चर आई मीन एक्सप्लोर करने के लिए बाद में छोड़ूंगा, तो वहाँ पे मैं एक ब्लॉक लगाऊंगा एंड जिनको मैं एक्सप्लोर कर दूंगा उन वाले रास्ते को मैं पूरी तरह से भाई क्लोज करने वाला हूँ। सो यहाँ पे एक ब्लॉक है, इसको मैं बाद में एक्सप्लोर करूंगा, चलो इसको पहले देख लेते हैं। ओ भाई साहब फाइनली टेजर्ट रूम पर मैं पहुँच चुका हूँ भाई, इसको फिगर आउट करने में ऑलमोस्ट आधे घंटे लग चुके हैं। और इसी के ऊपर एक चेस्ट था जिसके अंदर भाई देख सकता हूँ डायमंड की इक्विपमेंट और टोटम ऑफ अनडाइंग। भाई अपने पास फुल से डायमंड आर्मर आ चुका है और क्या चाहिए। सो मैं आ चुका हूँ विलेज लॉर्ड के पास, अब इसकी क्वेस्ट सिस्टम दिखाता हूँ। देखो पहले तो भाई मैं ऐसे कुछ चीज़ें गिफ्ट करने वाला हूँ, तुम हर चीज़ नहीं दे सकते, अगर तुम यहाँ पे कोई भी चीज़ रखोगे तो वहाँ पे गिफ्ट लिख के आएगा, यानी कि भाई रेपुटेशन। देखो यहाँ पे साइड पे तुम्हें रेपुटेशन लिख के आ रहा होगा, तो वो तुम इसे गिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने इसे ये गिफ्ट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे 4 रेपुटेशन मिल गया। भाई अभी मेरा 10 रेपुटेशन है, तो आगे जाके भाई मैं मैक्स लेवल पे ले जाऊंगा अपनी रेपुटेशन को। ओके एक्सेप्ट करने के लिए मुझे प्री वाले बटन को दबाना पड़ता है, यानी कि जिस बटन से मैं अटैक करता हूँ। और अबैंडन गलती से भी मत करना भाई, रेपुटेशन डाउन हो जाएगा, कोई भी टास्क को तुम अबैंडन मत करना भाई। ओके सो अब मैं किसी से भी अगर ट्रेड करूँ तो वो ट्रेड भाई काउंट होगा, यानी कि अपनी क्वेस्ट पर आने वाला है। सो मैं इससे भाई एक स्लोनेस की पोशन खरीदने वाला हूँ, मैंने 6 एमडेल बर्बाद कर दिया। ओके इससे मैं स्पाइडर आई खरीद सकता हूँ एक के बदले, और मैंने थोड़े बहुत एमरल घर से वापस लाया भाई, ये बहुत ज़्यादा अनोइंग है। ओके ये काउंट हो रहा है,
चलो इससे मैं थोड़ा बहुत लेदर भी खरीद लेता हूँ। ओके एडवांसमेंट कंप्लीट, क्वेस्ट भी कंप्लीट। फाइनली भाई एक क्वेस्ट कंप्लीट हो गया एंड एक्सेप्ट कर देते इसको भी। 24 कोल माइन करना है। अगर तुम सोच रहे हो कि भाई अगर तुम्हारे पास पहले से कोल है तो उससे भी तो भाई काम बन जाएगा, नहीं भाई वो सारे कोल तुम्हें भाई लो क्वालिटी पे देखने को मिलेंगे, या जो कोल तुम क्वेस्ट का एक्सेप्ट करने के बाद माइन करोगे उसी से भाई तुम्हें क्वेस्ट कंप्लीट होगा। हाँ ये कुछ ऐसा सिस्टम है। ओके अब क्वेस्ट कंप्लीट लिख के आया है, अब जाके तुम भाई इससे भाई क्वेस्ट ले सकते हो। जैसे कि ये देखो भाई यहाँ पे कंप्लीटेड करना है तो भाई यहाँ पे मैं ये रखता हूँ। अब तुम कोई भी कोल दो कोई दिक्कत नहीं है भाई, तुम माइन किया गया या फिर पहले वाला कोल दो कोई दिक्कत नहीं आता। एंड फिर से भाई फोर ट्रेड, भाई ये वाले क्वेश्चन थोड़ा अजीब लगता है। ओके कोई नहीं भाई, एक एक एमरल जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से मैं चार ट्रेड कर लूँगा तो भाई अपना कंप्लीट हो जाएगा। देखो भाई इसका दो ट्रेड काउंट हुआ है। ओके हो गया है, चलो। और यहाँ पे मुझे 6 एमरल भी मिल गया। अब 20 अनडेड मॉब्स मारना है। एंड अनडेड मॉब्स की भाई सबसे बेस्ट सोर्स है भाई ये बैटल टावर। ओके अनडेड में जॉम्बीज और स्केलेटन आते, स्पाइडर नहीं आते, तो स्पाइडर मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी भाई मैं थोड़े और नीचे चलता हूँ। ओके ये हुआ ना भाई, थोड़ा जॉम्बी आ गया है। ओके फाइनली भाई जॉम्बी भी मर चुका है। और ये कौन से मॉब्स है आई डोंट नो, खैर छोड़ो। सो यहाँ पे कुछ अलग अलग सिल्वर फीस भी आते हैं। सो पहले तो मैं किंग के पास वापस जाने वाला हूँ। ओके ये रहा किंग, मैंने भाई वेस्टर्न इसी के बगल पर लगा दिया है। ओके टाइम बच जाएगा अपना। और हथियार हमेशा भाई इन्वेंट्री के अंदर रखो जब भी किंग के साथ बात करो तो, किंग के साथ। ओके क्वेस्ट कंप्लीट, 16 एमरल मिल गया आपने को। ओके अभी 96 क्रॉप आपने को भाई मैपल पे लगाना है। मैपल पे 96 क्रॉप। ओके मैं अगर यहाँ से लूँ, अरे यार क्राइम रिपोर्टेड हो रहा है और मेरे भाई रेपुटेशन डाउन हो रहा है धीरे धीरे। तुम्हें मेरी साइट पे रेपुटेशन बार तो दिख रहा ही होगा। ओके सो अब भाई मैं यहाँ पर ये जल्दी से लगा देता हूँ भाई। ओके भाई मैं ये कर नहीं सकता था, मैंने गलती से भाई क्राइम कर लिया और ये लोग मेरे ऊपर अटैक करने लग गया। ओके फाइनली भाई ये लोग थोड़े बहुत अटैक करना बंद भी कर दिया है आई थिंक मैंने इनके। ओके फसल को वापस से लगा दिया है तो ये लोग अब चुप हो जाएंगे, या चुप हो चुका है। ठीक है कोई नहीं भाई, अब मुझे भाई खुद से भाई अलग जगह पर भाई यहाँ पर भाई खेती करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं ऐसे ही भाई किसी भी रैंडम जगह पे मैं खेती करने वाला हूँ भाई, गोली मारो भाई इनके डेकोरेशन। ओके सो मैं यहाँ पे बहुत देर तक मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ बट मेरे यहाँ पे क्वेस्ट प्रोग्रेस क्यों नहीं दिखा रहा है। अगर मैंने भाई एक्सेप्ट नहीं किया, ओके मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था और गलती से मैंने अबॉन्डन पे क्लिक कर दिया जिससे भाई अपना रेपुटेशन डाउन हो गया। और यहाँ पे दूसरा क्वेस्ट है भाई 14 स्पाइडर को मारना। अब भाई गलती से भी मैं अबॉन्डन नहीं करने वाला कोई भी क्वेस्ट। ओके तो एक गलती से हो गया है भाई। ओके तो मैंने यहाँ पे भाई ये काम भी कर दिया है कंप्लीट। तो आप चलते हैं किंग के पास। ओ बैटल टावर भाई सच में काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल है। ओके अब किंग के पास मुझे एक और क्वेस्ट लेना है। ओके 14 स्पाइडर मारना कंप्लीट हो गया है। ओके 11 एमरल मिला है मुझे। एक और बार मुझे चार ट्रेड करना है विलेजर से। चलो ये भी मैंने कंप्लीट कर लिया है एंड देखते हैं भाई एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके कंप्लीटेड। एंड हाथ में एमरल हो तो भाई विलेजर तुम्हारे पास आ जाते। एंड फिर से भाई मेक ट्रेड। ओ भाई ये लोग ट्रेड कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ रहा है मुझे। भाई मैं स्कैम नहीं होने वाला। ओके मैं इसको भाई एमरल देकर अपनी रेपुटेशन को ज़्यादा कर सकता हूँ। ओके एक एमरल एक रेपुटेशन, भाई ये सबसे बेकार है तो मुझे इनके लिए थोड़ा एक्सपेंसिव चीज़ें लाना पड़ेगा। एंड देखना होगा किस किस चीज़ से रेपुटेशन ज़्यादा होता है तो अगले एपिसोड पर मैं वही करने वाला हूँ। ओके एंड एक्सेप्ट कर लेते हैं चलो। ओके गाइस अब आया थोड़ा काम का क्वेस्ट। देखो हम लोग नॉर्मल विलेजर को गार्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसके लिए मुझे भाई रिक्वायरमेंट पेपर चाहिए जो कि भाई इससे क्वेस्ट कंप्लीट एक्सेप्ट करने से भाई मिल जाता है। और ये रिक्वायरमेंट पेपर भाई क्राफ्टेबल भी है, मतलब समझ लो भाई तुम अपने बेस के पास भी सिक्योरिटी लगा सकते हो अगर समहाउ तुमने भाई विलेजर लाया तो यहाँ पर, और विलेजर मैं ला सकता हूँ अपने बेस के पास तो मैं बाद में देखूँगा। ओके इसको इनके ऊपर मैं यूज़ नहीं कर सकता। अब इसको मैं विलेजर के ऊपर यूज़ करने वाला हूँ। ओके मुझे तीन चाहिए और यहाँ पे आयरन गोलम भी लिखा है, पता नहीं क्यों आयरन गोलम पे होगा। ओके तो इस विलेजर की ट्रेड बहुत बेकार है तो इसको मैं यूज़ करने वाला हूँ। चलो एटलीस्ट नीटवे तो यहाँ पे तो काम कर रहा है भाई, वहाँ पे तो भाई बिल्कुल काम नहीं कर रहा है वनीला पे। यहाँ पे एटलीस्ट भाई पॉसिट पटाटो के बदले भाई एमरल दे रहा है तो इसके लिए भाई पहले तुम्हें क्राउच होना होगा। याद रखना तुम ये चीज़ क्राउच करके ही कर सकते हो, तो भाई बिना क्राउच करके करने जाओगे तो नहीं होगा। सो पहले क्राउच करना है, रिक्वायरमेंट पेपर को हाथ में लेना है
और एमरेल से तुम अपने पास इसे अट्रैक्ट कर सकते हो कोई भी विलेजर को। ओके रिक्वायरमेंट पेपर एंड इस पर भाई क्लिक। देखा भाई हो गया। देखो क्राउच करो, रिक्वायरमेंट पेपर को हाथ में लो एंड क्लिक करो। इसके ट्रेड क्या है? वो भाई ये काफ़ी बढ़िया ट्रेड दे रहा है, इसका देख लूँ। ये भी सेम है बट कोई नहीं भाई, एक काफ़ी है भाई, जब सेम ट्रेड वाला दो विलेजर की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट पेपर हो गया। ओके भाई क्वेस्ट कम्प्लीट। हाँ यहाँ पर हम लोग विलेजर को गार्ड बना सकते हो भाई, यही तो चाहिए था। ओके तो इसको भाई कंप्लीट कर देते जल्दी से। ओ भाई 10 एमरेल मिल गया अपने को। ओके 128 ट्रीज क्राफ्ट का कलेक्ट करना है। ओके मेरे घर पे भाई हमेशा भाई रेट पड़ता ही रहता है, पता नहीं इस वाले बायोम के साथ क्या दिक्कत है। आई थिंक मुझे बायोम चेंज करना पड़ेगा। ओके तो कंप्लीट तो मैं करने वाला हूँ। पहले भाई ये सारे जो तुम्हारी चीज़ें हैं ये मैं इसके यहाँ पर लगाने वाला हूँ, तभी भाई ये कंप्लीट होगा। ओके एंड कंप्लीटेड करते। ओ भाई साहब ये ले क्यों नहीं रहा? ओके आई गेस मुझे और भी ज़्यादा लॉक कलेक्ट करना होगा। ओके मैंने सेम टाइप के लॉक कलेक्ट किया है एंड देखते भाई ये ले लेते कि नहीं। ओके सेम टाइप की उठो तो भाई दिक्कत नहीं होता। ओके 128 हो चुका है एंड मैंने ये क्वेस्ट भी कम्प्लीट कर दिया है। और अगला क्वेस्ट था भाई यहाँ पे मुझे कोल और माइन करना है, सो चलो कोई नहीं। और उसके हाथों मुझे भाई आयरन भी मिल रहा है, आयरन की भाई काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहा है। ओके किंग के पास चलते हैं एंड इसके भी रिवॉर्ड लेते हैं। भाई अभी मैं ऑनर वाले लेवल पे आ चुका हूँ, मतलब यहाँ पे अपना रोल ऑनर पे आ चुका है। सो इसको यहाँ पे रखते हैं कोल एंड कंप्लीट पे क्लिक करते हैं। ओके कंप्लीट। ओ भाई साहब मैंने एक ही बार में एक्सेप्ट भी कर लिया। और राइट गाइस तो अब भाई अपने को वापस से सेम काम करना पड़ेगा एंड आई थिंक आज के लिए ये वीडियो काफ़ी है भाई। एंड यहाँ पर आप लोग भाई लेवल अप भी देख सकते हो, तो यहाँ पर मुझे दो और लेवल अनलॉक करना है। मैक्स लेवल भाई चैम्पियन है, सो ये लेवल नहीं रोल कह सकते हो। ओके सो इसके लिए भाई मुझे और भी ज़्यादा भाई चाहिए। तो अगला क्वेस्ट भाई सही ढंग का मिला है भाई, बाउंटी। ओके मैं सोच रहा था ख़त्म करने के बारे में तो, बट हमें यहाँ पे भाई बाउंटी मिल चुका है। ओके घर जाने के लिए मैजिक मिरर, और मेरे घर के पास फिर से बाउंटी आ गया है भाई। ये हंटर मेरे घर के पास हमेशा आते रहते हैं। चलो इसका कोई फ़ायदा भी हो गया मुझे, तो क्वेस्ट पर ये भी मिला है मुझे। चलो कोई नहीं भाई, ये सबसे बेस्ट हुआ है। ओके भाई साहब ये लोग मेरे आर्मर को तोड़ रहा था, मैंने थोड़े बहुत अपने आर्मर को रिपेयर भी कर दिया है, बट स्टिल ये लोग मेरे आर्मर को डैमेज किए जा रहा है। एंड गाइस आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक करना, चैनल को कमेंट करना एंड उसी के साथ साथ गाइस अगर आपको ये डाउनलोड करना है तो भाई मेरी डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन पर भाई इसकी डाउनलोड लिंक डाल दिया है। तो जाओ खेलो मज़े करो, मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आरा आरा साइन आरा।